फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिन की शुरुआत जो होती है वो चाय के साथ में होती है, तो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ न्यूट्रा वैली का ग्रीन टी लेमन फ्लेवर, जिसका हैशटैग है एक कप फ्रेशनेस से भरा। तो ग्लूटेन फ्री है ये, सूदिंग और रिफ्रेशिंग होती है। और इस जो पैक है इसके अंदर 25 टी पैक्स आते हैं, जिसकी MRP है 199 रुपीज़। इंग्रीडियंट्स हैं इसके अंदर, ग्रीन टी 95% है, लेमन फ्लेवर जो है 5% है, और स्ट्रेस बूस्टर है एक तरह से, और हैंड पिक्ड एरोमेटिक लीव्स से बना हुआ है विद सिट्रसी लेमन फ्लेवर। और ग्रीन टी जो होती है ना, रिलायबल सोर्स ऑफ कैटेचिन होती है, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ में होता है और आपको फ्री रेडिकल्स जो है उससे प्रोटेक्ट करती है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ में सर्व करती है। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और ईजी टू मेक ग्रीन टी बैग्स हैं। और इसकी जो ग्रीन टी का जो हर सिप है ना, वो रिफ्रेशिंग डिलाइट एनर्जी से भरा हुआ है, जो कि आपको डेली एक्टिविटी चोर्स में एनर्जाइज करेगा। फ्रेंड्स, मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है चिया सीड्स, जिसे कि मैं अपना डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा जो है न्यूट्रिशनल होता है वो तो सबको ही पता है। तो जो ये चिया सीड्स हैं, ये भी न्यूट्रो वैली के हैं, 200 ग्राम की पैकेजिंग है, 299 रुपीज़ इसकी MRP है, और नेचुरल कलर, फ्लेवर और न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के साथ में ही आता है। और रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है, Omega-3 फैटी एसिड और Omega-6 फैटी एसिड से भरपूर होता है, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है, मैग्नीशियम, जिंक एंड कैल्शियम। इसलिए इसको आपको अपने जो है ब्रेकफास्ट रूटीन में तो इसे यूज़ करना ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी जो है इसे यूज़ कर सकते हो। और इसका जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, शास्त्रीकाल आदाब। मेरा नाम गगन है, तो जानते हो सोनाक्षी का चैनल है। और आज सोनाक्षी को मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लाया हूँ अपने ऑफिस में। ये देखो, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर वीडियो शूट करते हैं, आप देख रहे होंगे कैमरा लगा हुआ है, ये टेलीप्रॉम्प्टर है, और मैं मोबाइल से शूट करता हूँ भाई, 4K 60 FPS में मोबाइल, मेरा आईफोन 13 से, और बढ़िया क्वालिटी आती है, कैमरे में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैकबुक है तो मैं उसमें एयरड्रॉप से भेज देता हूँ, कोई झंझट नहीं होता है। तो एक जो चैनल अगर आपने देखा होगा, नॉलेज इन्फो हिंदी, उस पर हम लोग पॉर्किपाइन वर्सेस लियोपार्ड वर्सेस वाइल्ड बीस्ट ये सब वीडियोज बनाते रहते हैं। आज भी मेरे टेलीप्रॉम्प्टर में एक स्क्रिप्ट है और वीडियो बनाएंगे। और सोनाक्षी आज पहली बार ऑफिस में आई, इससे पहले मेरा एक और ऑफिस था जिसमें सोनाक्षी कभी भी नहीं आई। तो तुम क्या कहना चाहोगी इस बारे में? कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मुझे अजीब सा लग रहा है अभी यहाँ पे एकदम से अभी ऑफिस में मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अच्छा लग रहा है, मतलब काम कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, और काम करने का मन करता है। तो आज मेरे पास में क्या है, मेरे पास में बॉप इन कनाडा की स्क्रिप्ट आई है, और मुझे जो है उसके वॉइस ओवर देने, अभी सैंपल देने जा रही हूँ, बस सैंपल दे दूँ और मिलेगा तो मुझे ही पता है। और देखिए, ये मेरा ऑडियो स्टूडियो है, यहाँ पे मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरा माइक है, और पीछे का उसको इग्नोर मारो, यहाँ पे कुछ लगेगा, खिड़की वगैरह जैसे कि आप देख ही रहोगे यहाँ पे। और ये मेरे कुछ कपड़े टंगे हुए जिनको पहन के मैं वीडियोस बनाता हूँ। ये मेरा क्रोमा सेटअप है, अभी इस पंखे को बंद कर दिया जाएगा, ये एसी लगा हुआ, लेकिन एसी का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारा एसी का जो तार था ना तांबे का, वो कोई चोर चोरी कर ले गया। और ये ऑफिस के नीचे का, हम बेसमेंट में एक्चुअली, और यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके दिखाए हो क्या? ओके, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और ये देखिए पानी, कभी कभी हम बोर हो जाते हैं उसको खेलते हैं। और ये हमारा बाहर का नज़ारा है, ये ऊपर का है सब कुछ, तो बस यही है। इससे इसके बाद में एक वीडियो शूट करने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं। तो फाइवर पे मेरा बॉफिन कनाडा जो क्लाइंट है वो ऑनलाइन है, इसको जो है सैंपल देना है, तो मैं दे रही हूँ गैम्बलर सेल्फ वाला सैंपल, जो कि मैंने पहले ही एक US के क्लाइंट के लिए किया हुआ था। तो बस मेरे बाल सही है, देखिए बहुत बढ़िया हीरो लग रहा है। अरे इधर से सही कर दे यार, हेलमेट मैं क्या यहाँ पे तुम्हारी वो बन के आई हूँ। अरे हेलमेट बेकार हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ कर दे, यहाँ से टेढ़े मेढ़े तो नहीं है। तो तुम यहाँ पे अपना शीशा भी रखो ना एक। हाँ यार, एक शीशा भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है थोड़े से बीच का ये नहीं निकला हुआ है, पर ठीक है, बैठ नहीं रहे पीछे के, कोई नहीं, चंपू ना लग रहा हूँ। तो यहाँ पर गैम्बलर सेल्फ का जा चुका है, बस मनु तू रोड से रिकॉर्ड करती है तो ये बंद करती है पंखा? हाँ है? लेकिन जब वो तुम्हारी आवाज लेता है ना, तब वो कोई और आवाज नहीं लेता पीछे की।
जब तुम्हारी बॉडी के साथ वो टच है तो कोई और आवाज नहीं लेता। वैसे मैं पंखा बंद ही रखती हूँ क्योंकि फिर भी रिस्क क्यों लेना, और भी अच्छा है क्वालिटी। तो चलो साइंड, मैंने शेयर कर दिया उसके साथ में सैंपल। अब देखो वहाँ पर रात है, रात के 4 बज रहे हैं, तो पता नहीं मुझे अभी रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं। देखो कैमरे में मेरे, उसमें देख। हाँ बहुत बढ़िया, सही आ रहा हूँ। ऑलराइट स्टार्ट। दोस्तों रामायण जो भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है, वो रामायण जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने खुद भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी है, जिसमें भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ये सवाल करते रहते हैं कि क्या भगवान राम वाकई में धरती पर पैदा हुए थे, क्या वास्तव में हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे, क्योंकि कुछ लोग रामायण को सच के बजाय सिर्फ कहानियों से भरी मनगढ़ंत किताब समझते हैं। इसलिए आज उन लोगों को वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर कुछ पक्के सबूतों को दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। ये बनाया है मैंने थंबनेल आज की वीडियो का। करो तुम भांगड़ा करो, बजा रहे। ये भी चूहे ने कुतर दिया। अभी एक चीज और है बजाने की। हाँ बताओ कौन सी चीज रखी यहाँ पे टेबल पर होगी। हारमोनिका। ये इसकी सारी को लग जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं गई थी गगन के ऑफिस और शायद अब मुझे रोज़ ही जाना होगा मेरा। और फिर लौटते में हम लोगों ने कुछ सब्ज़ी ली है, और सब्ज़ी लेने के बाद में मेरा मन किया था सोया चाप खाने का, तो फिर हमने जो है आपसे से सोया चाप जो है पैक करवा ली थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।